શીખ સમુદાયના ધર્મગુરુ નાનક સાહેબની આજે 550મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર દેશ સહિત સુરતમાં ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રક્તદાન સહિત મહાપ્રસાદી જેવા અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરુ નાનકની 550મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે મંગળવારે શીખ સમુદાયના લોકો દ્વારા અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રામનગર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પ્રભાત ફેરી, કીર્તન દરબાર, અખંડ પાઠ, ભોગ સાહેબ અને બપોરે લંગરનું આયોજન થયું હતું. તેમજ રાત્રિ દરમિયાન કીર્તન દરબાર યોજવામાં આવશે. आज कौन सी जगह किस प्रकार का कार्यक्रम? आज श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सारे शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब पठान रोड और श्री गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. सुबह से मॉर्निंग में प्रभात फेरी के रूप में पूरे शहर में से सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जुलूस निकाला गया, जिसमें बहुत से लोग सब हाजिर हुए और सब जगह रास्ते में लंगर प्रसाद सबने ग्रहण किया और बाकी भी जो लोग आए सबको लंगर प्रसाद वितरण किया गया. अभी भी कंटिन्यूस 72 घंटे से गुरुद्वारा में लंगर प्रसाद चालू है और गुरु नानक हॉस्पिटल में तो लिमिटलेस सेवा की प्रवृत्तियाँ चालू हैं. तकरीबन 6 दिन से फ्री कैंप्स लगाए गए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल चेकअप्स, आई कैंप्स लगाए गए हैं. अभी भी आई कैंप आज चालू है और ब्लड कैंप भी आज उसका आयोजन गुरु नानक हॉस्पिटल में किया गया है जो 3 बजे तक चलेगा. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप सब इस यज्ञ में योगदान करें. अब तक कितनी आपकी ड्यूटी है? સાબિર સૈયદ સાથે વિજલ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.